चलिए हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अमरीश बालेगा मौजूद हैं इस समय बीएससी स्टूडियोज में। अमरीश, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको दीपावली की। ऑल ऑफ यू एंड योर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्पेरस ईयर अहेड। थैंक यू। दर्शकों को दिवाली का तोहफा आप क्या देना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स बताना चाहेंगे? देयर कपल ऑफ, आई थिंक द मिड कैप स्पेस इज वन स्पेस व्हिच आई थिंक शुड स्टार्ट मूविंग। वी ऑलरेडी IT and FMCG move up in the last so many months. I think that should, I mean, that would now shift to the mid-caps in engineering, auto ancillaries. So I think Bharat Forge at these levels makes a lot of sense. I think this stock, which is currently quoting at close to about 295, 298, can actually move to levels of about 350, 360. Banks may, DCB, which has been showing extremely good results for the last 7-8 quarters. I mean, in fact, we see that continuing. Even the last quarter results are extremely good. So this is one stock which we see moving to levels of about 65, 68. Currently it's about 50, 51. I think these two stocks one can buy. Right, great. जी, चलिए अब बात करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग की और मुहूर्त ट्रेडिंग पर मुनाफा देने की। रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, दिवाली धमाका। इस कॉल को छोटी मोटी कॉल मत समझिएगा, कि तमाम फंडामेंटल एनालिस्ट से, तकनीक विशेषज्ञों से जानकर, समझकर और बूझकर बनाई गई है। आइए रुक करते हैं इस खास सेगमेंट का, दिवाली धमाका, आसिफ के साथ। आसिफ जी, वृंदा, दिवाली की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और आज दिवाली धमाका में जो शेयर है वो लगातार यहां पर परफॉर्मेंस देता हुआ दिखा, टाटा मोटर्स DVR का काउंटर होगा जहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और यहां पर जो अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, लक्ष्य होगा ₹212 का और 197 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स DVR पर खरीदारी करें। कुछ एक फंडामेंटल रीजन की बात करें तो FIs का लिमिट जो है DVR में यहां पर 75% किया गया है। ये एक अहम ट्रिगर है इस काउंटर के लिए। साथ में अगर देखा जाए टेक्निकल बात करें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है और मल्टी ईयर हाई के आसपास टाटा मोटर्स का काउंटर कामकाज कर रहा है। यहां पर फर्दर अपसाइड की काफी कुछ गुंजाइश है। अगर आप इसको पोजिशनल में कन्वर्ट करेंगे तो 8-10% का यहां पर रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है, मगर यहां पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप आज के लिए बात करें, ₹212 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 197 का एक स्टॉप लॉस टाटा मोटर्स DVR पर मेंटेन करके चले। चलिए शुक्रिया आसिफ आपका। तो आज की जो दिवाली धमाका कॉल्स है, वाकई अगर आप देखें तो काफी शानदार कॉल और प्राइस परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी डे हाई पे कारोबार करता हुआ, करीब ₹4 का इजाफा यहाँ पे, अब करीब 202.7 पे आता हुआ लगभग 2% ऊपर यहाँ पे। जिस फॉर्मेशन का जिक्र किया गया है, एक टिपिकल हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, माफ कीजिएगा फ्लैग पैटर्न, कुणाल आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, इस फॉर्मेशन पर और ये मल्टी ईयर हाई पर अब आ चुका है और आई थिंक ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, आपकी राय इस पर? देखिए, मेरी राय बिल्कुल आसिफ की राय के साथ मेल खाती है। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन काउंटर है, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है और जो पैटर्न इन्होंने पहचाना है, देखिए 2 सेशन पहले उसमें ब्रेकआउट आया, लगातार हम तेजी देख रहे हैं और बहुत अच्छा वॉल्यूम भी इस तेजी में देखने को मिला है। तो दोनों टाटा मोटर्स और उसका DVR दोनों ही काउंटर्स बहुत ही मजबूत दिखते हैं और जो टारगेट उन्होंने दिया है मुझे लगता है कि उससे भी परे जाने की संभावना है काउंटर में दिखाई देती है। तो 215-216 बहुत कम समय में आपको इस काउंटर में देखने को मिला। 204 के स्तर पर, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर अब टाटा मोटर्स DVR कारोबार करता हुआ, 204-205 अब लगभग 5.25% की मजबूती के साथ करीब 3% ऊपर होकर यह कारोबार करता हुआ, 204-70 और 204-80 का स्तर यहां पे, यानी काफी स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस यहां पर है। कुणाल बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह आने वाला एक वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। शर्मा साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा, बहुत देर से आप शांत हैं। OMCs को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और ये जो पूरा चंक है बहुत वोलेटाइल रहा और वाकई प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था। जो क्रूड के हालात थे अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे जो दाम थे उसको देखते हुए प्रेडिक्ट करना ना के बराबर अगर आप देखें तो पॉसिबल था यहाँ पर। आपकी राय OMCs को चंक को लेकर अब क्या है इस वक्त? देखिए, अगर हम ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट जो आएगी वो अगर NDA की आएगी तो NDA का जो रवैया है वो खासकर इस बात को लेके काफ़ी है कि वो वहीं पे डिस इन्वेस्टमेंट जो इन कंपनियों का होगा वो एक स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट होगा। और जब आपने अभी तक, आपको मैं ये बेसिक क्वेश्चन उठाना चाहूँगा, हालांकि ये समय फंडामेंटल की बात करने का नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चन है कि इस वक्त
आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको किस लिए सरकार को किस लिए चाहिए, सरकार को किस लिए चाहिए कि उनको सस्ते दामों पे ऑयल के प्रोडक्ट्स बेचने हैं। जब आपने सब्सिडी ही खत्म कर दी है, अंततः खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में बेचने की जरूरत कहाँ रहेगी। तो लॉन्ग टर्म पिक अगर किसी को लेना हो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में HPCL अर्निंग बेसिस के ऊपर सबसे बेहतरीन है, और लार्ज साइज की वजह से देखना हो तो इंडियन ऑयल। लेकिन इनके अंदर सरकार का, जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक वो तलवार लटकेगी, तो तब तक आप इंतजार कीजिए धीरे धीरे उनको इकट्ठा करने का। ट्रेडिंग रुख अपनाइए, गिरने में लीजिए प्रॉफिट कीजिए, लेकिन एनडीए की सरकार आती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर आप जबरदस्त अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ अमरीश भी बने हुए हैं और हमारे साथ अब रामदेव अग्रवाल जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रामदेव जी बहुत बहुत बधाई हो आपको और शुभकामनाएं ढेर सारी जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से आपको। हम इस समय दलाल स्ट्रीट पर मौजूद हैं यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। माहौल काफ़ी उत्साह का है इस समय, नया हाई देखने को मिला है इंडेक्स पर। आपकी मार्केट पर इस समय सलाह क्या है, आपका व्यू क्या है मार्केट पर, क्या यहाँ से और आगे रैली एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि दिसंबर में चुनाव है? हाँ जी, ऐसा लगता है कि पहले तो व्यूअर को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली एंड वेरी वेरी प्रॉस्परस एंड बुलिश न्यू ईयर। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ ट्रेंड, आई एम नॉट अ ट्रेंड वॉचर, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्शन जो बहुत बड़ा इवेंट है, अभी एक डेढ़ महीने में एक वर्डिक्ट आएगा, छोटा वर्डिक्ट, और फिर 6-8 महीने के बाद विल हैव अ सेंट्रल इलेक्शन। तो ये पॉलिटिकली पॉलिसी मेकिंग के मामले में और ये जिस हालत में देश है, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है और एक होप से द नेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स द इलेक्शन। सो मुझको लगता है कि एक रैली होगी एंड देन इट इज़ क्वेश्चन ऑफ द वोटर्स। इफ देर इज़ अ फ्रेगमेंटेड वोटिंग, आई थिंक द रैली विल फिजल आउट, बट अदरवाइज इट विल बिल्ड ऑन इटसेल्फ। चलिए अभी और थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाजार को लेकर, लेकिन एक बार बाजार के लेवल्स को भी देख लेते हैं। करीब 20 अंक ऊपर निफ्टी करीब 6327 का स्तर यहाँ पे है और डे हाई जो था आज वो था करीब करीब 6342 का, यानी एक औपचारिकता मात्र रह गई है उस हायर लेवल से पहुँचने की। सेंसेक्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, निफ्टी अगर आप देखें महज 10 अंक दूर था उस लेवल से। रामदेव, अभी मैं जानना चाहूँगा रेट सेंसिटिव्स को लेकर आपकी राय, क्योंकि ये कैलेंडर वर्ष या फिर वित्त वर्ष का वो पोर्शन है या फिर वो चंक है जब हम लास्ट ईयर ये प्रेडिक्ट करके चल रहे थे कि इस दौरान ब्याज दरें कम होंगी लगभग 100 से 150 बेसिस पॉइंट। लेकिन सही मायने में जिस तरीके से जो दो पॉलिसी रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि रेट्स डेफिनेटली नीचे नहीं आने वाले, आपको इन्हीं रेट्स के साथ करीब करीब साल भर और गुजारना पड़ेगा। रेट सेंसिटिव्स पर इस मद्देनजर आपकी राय क्या है? ये कहना बहुत मुश्किल है कि हाउ द नेक्स्ट 12 मंथ्स विल बी अबाउट द रेट्स, बट आई मीन टू एक्सपेक्ट दैट इट विल बी हायर दैट विल बी रॉन्ग, बट आई वुड एक्सपेक्ट इट विल बी सॉफ्टर। एंड जो एक करंट अकाउंट डेफिसिट से जो स्ट्रेस आ रहा था और जो आपने जो इन्फ्लेशन देखा जो 45 to 62 के कारण से जो रीप्राइसिंग ऑफ ऑल द कमोडिटीज एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विच हैज हैपन, अब वो हमारे पीछे हो गया है। और इस बेस के ऊपर नेक्स्ट ईयर इफ रुपी रिमेंस एट 62-63, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी सम रिलीफ ऑन द इन्फ्लेशन साइड ऑल्सो, एंड दैट विल टेंड टू एंड मे बी एट द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर आई थिंक विल सी लिटल सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट। सो सिक्लिकल्स हैव सीन देयर वर्स्ट, राइट नाउ देयर एट द वर्स्ट वैल्यूएशंस एंड देर इज नो टेकर फॉर देम एंड एंटायर मार्केट इज लोडेड विद दोज स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियोज। सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी for those who are contrarian and those who have patience to buy and sit through the 3-5 month cycle, but there is no definitive answer to what you are saying. बिल्कुल, चलिए रामदेव जी आपके पास लौट के आते हैं, अमरीश आपके पास भी लौट के आते हैं। कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है इस समय ये जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आज वहां पर भी ट्रेडिंग चल रही है, मोहरत ट्रेडिंग। मृत्युंजय जल्दी से बताइए क्या हो रहा है। शुक्रिया मिहिर। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो 72 रुपये ऊपर है MCX पर गोल्ड का भाव और चांदी में भी करीब 100 रुपये की मजबूती है, तो बाजार की शुरुआत अच्छी हुई है, बाजार का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में बाजार ने कहीं ना कहीं एक हरे निशान में कारोबार करता हुआ यहाँ पे बाजार दिख रहा है। आगे बाजार की दिशा क्या होगी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेनिशा चेनानी है अहमदाबाद से। रेनिशा स्वागत है आपका, आपको सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
आपसे जानना चाहेंगे, बाजार की ओपनिंग हरे निशान में हुई है, क्या ये माना जाए कि मार्केट के लिए वाकई अगला एक साल शुभ मुहूर्त होगा? हाय मृत्युंजय, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। यस, आज अच्छी ओपनिंग के बाद ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो समवर्ट 2070 है, कमोडिटीज मार्केट के लिए कुछ अच्छा लाएगा। एंड आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि रुपी में काफ़ी डेप्रिशिएशन हुआ था। इंटरनेशनली भले ही हमने प्राइजेस को गिरते हुए देखा है, बट डोमेस्टिकली प्राइजेस बहुत अभी भी ज़्यादा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो आज गोल्ड या सिल्वर में से किससे बाइंग करनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगी सिल्वर इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप पोजिशन ले सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में, एंड इसमें अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है फॉर होल्डिंग इट इन नेक्स्ट वन ईयर पीरियड। जी रिनिशा, लेकिन जिस तरह से अगर हम मार्केट के फंडामेंटल को देखें तो 10 साल के बाद पहली बार गोल्ड ने बेहतर रिटर्न नहीं दिया है, आपको लगता है कि जो तमाम संकेत हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये बुलियन मार्केट के लिए थोड़े से नेगेटिव हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, और ऐसे में अगर कोई इसके अलावा ट्रेड करना चाहे क्रूड ऑयल में या मेटल्स में, तो आपको लगता है कि बेहतर ऑप्शन होगा? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, यस गोल्ड इस समय पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, 30-31,000 के आसपास जो स्पॉट मार्केट में रेट्स हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूंगी बाय करने के लिए, बट यस सिल्वर कुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आप बेस मेटल्स में कुछ पिक करना चाहते हैं तो लेड इज अ बेस्ट ऑप्शन विच हैज अ गुड फंडामेंटल्स, डेफिसिट रहेगा इस साल में, एंड टारगेट ऊपर में 140-145 तक देखे जा सकते हैं। ओके चलिए, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड राजीव कपूर भी जुड़े हैं। राजीव, सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाजार कहीं ना कहीं आज हरे निशान में ओपन होने में कामयाब हुआ है गोल्ड और सिल्वर का, आपको लगता है कि बाजार की यही चमक, बाजार का यही रौनक आगे भी कंटिन्यू रहेगा? मृत्युंजय जी, सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे जी परिवार को और हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं ट्रस्ट लाइन की तरफ से। और जहां तक बाजार के अगले साल के व्यू का सवाल है, मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर में आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि कोई आउट परफॉर्मेंस रहेगा। हाँ, थोड़ा चांदी में मुझे लगता है अगर निचले स्तरों पर बाइंग की जाए 45,000 और 40,000 के बीच में, तो पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मुझे बाजार दायरे में व्यापार करता हुआ दिखता है गोल्ड और सिल्वर का। जैसा कि हमने देखा है, रुपी का डेप्रिशिएशन ने बहुत सपोर्ट किया है गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस को, और साथ साथ इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हुआ, जिसके कारण इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत हैविली इंक्रीज की गई, उसका भी बहुत असर देखने को मिला है। आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आता है और रुपये में हमें थोड़ी और मजबूती दिखती है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे देखेगा एमसीएक्स पर, और हो सकता है अगले साल में थोड़ा ड्यूटीज वगैरह में रिलैक्सेशन मिले, और अगर ड्यूटीज रिलैक्स होती है तो उसका भी सीधा सीधा माइनस में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओके बिल्कुल, चलिए आपके पास लौट के आते हैं मृत्युंजय, आपके पास भी लौट के आते हैं हमारे साथ अमरीश और रामदेव बने हुए वीके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अमरीश, वेरी क्विकली आपसे जानना चाहेंगे बैंकिंग स्पेस और खासकर पीएसयू बैंकिंग स्पेस, आप भी इस पर काफ़ी कंसर्न थे, अब वो कंसर्न कम हुई है जो अब तक नंबर्स आए हैं उसके बाद, बिकॉज इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रह सकता है नए हाई में, स्पेशली आई मीन विद द वे द रिजल्ट्स हैव कम आउट, क्रेज कंसर्न्स हैव कम डाउन टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली आउट, बिकॉज अनलेस वी सी द डिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स आई डोंट थिंक वी विल स्टार्ट अपग्रेडिंग द बैंक्स, बट leaving that aside, I think, I mean, the way the markets are, you'll surely see some sort of a rally in the PSU banking space. We've already seen that in the last two days. I think that will continue for a while longer. All right. Chale, Amrish, bahut bahut shukriya is baatcheet mein shamil hone ke liye. Ramdev ji, mera agla sawal aap se hai.